हमें शिवम पांडे और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेट विल बी द रन ऑफ बट उसके पहले हमें इन्फिल्ट्रेशन का कुछ पोर्शन कवर करना है एंड देन विल मूव ऑन टू दिस टॉपिक दैट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन दैट इज़ द रन ऑफ तो हमने लास्ट क्लास में इन्फिल्ट्रेशन की बात करी थी इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है इन्फिल्ट्रेशन को आप कैसे मेजर करते हैं रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या, क्या, क्या होती है और उसके बाद हमने फिर बात करी थी कि कांस्टेंट अगर आप इन्फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो वो फाइव इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स से दिया जाता है हमने फाइन इंडेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था कि फाइन इंडेक्स इज डेट इंडेक्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टेंट रेट तो ये जो है जो फाइन इंडेक्स है डेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडिज इन टर्म्स कि ये रेनफॉल एक्सेस के बारे में बात करता है बट यदि मैं डब्ल्यू इंडेक्स की बात करूंगा तो वो रेनफॉल एक्सेस की बात नहीं करेगा ओके सो लेट इज नाउ सी हेयर कि दिस फाइन इंडेक्स हाउ डू वी कैलकुलेट इट तो फाइन इंडेक्स इज गिवन बाय पी माइनस आर अपॉन टी

वाटर दैट इज बिंग ऑब्सट्रक्टेड एंड दैट इज द इंटरसेप्शन लॉसिस और दूसरा जो लॉस था वाटर स्टोर्ड इन डिशेज एंड वो हमने इनिशियल लॉसिस वहां पर कवर कर रखा था नॉ इट स्टॉक अबाउट कि अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है ओके इन द एबसेंस ऑफ द डाटा इन एस्टिमेटिंग द मैक्सिमम फ्लड फॉर द डिजाइन परपजेज फाइव इंडेक्स इज टेकन एज पॉइंट वन जीरो सेंटीमीटर पर आवर ठीक है डेटा इज नॉट गिवन टू यू तो ये हमने बात करी किसकी फाइव इंडेक्स की फाइनडेक्स की हमने बात करी तो मैंने क्या बोला था आपसे कि जितने भी टर्म हैं जितने भी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की बात हो रही है सिर्फ वही पिक्चर में ली जाएगी जो कि रेनफॉल एक्सेस की बात करें डब्ल्यू इंडेक्स की बात समझिएगा यहाँ पे क्या है इट इज़ द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट सेम एज द प्रीवियस वन ओके बट ड्यूरिंग द कम्प्लीट पीरियड ऑफ द स्टॉर्म यदि मैं कह रहा हूँ कि जीरो से ले कर सिक्स आवर्स का आपको टाइम पीरियड लेके चलना है अगर मैं कहता हूँ कि सिक्स आवर्स इज द पीरियड ऑफ स्टॉर्म इफ दिस इज़ अ सिक्स आर पीरियड तो इसमें से क्या पता सारे ही रन ऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट करें यदि सारे के सारे आर्स रनऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो टी ई की वैल्यू होगी डेट इक्वल टू वॉट सिक्स केस अगर मैं कहता हूं कि देर इज सम पार्ट विच इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन रन ऑफ यानी कि स्टार्टिंग में लेट से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वॉज लेस और फिर बाद में इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वॉज मच हाइर तो उसके इसमें क्या कि लेट फाइव इंडेक्स की वैल्यू कुछ कम है और बट uh, दो तीन ट्राइंगल को दो तीन रेक्टेंगल को छोड़ दे रही है है ना जो हमने हाइटोग्राफ में लास्ट क्लास में देख रखा था तो लेट्स से अगर टी इज इक्वल टू थ्री आवर्स तो जब हम फाइव इंडेक्स की बात करेंगे तो आप इस टर्म को यूज़ करेंगे ओके फाइव इंडेक्स में टी को अगर आप डब्ल्यू इंडेक्स की बात करेंगे तो यू विल बी टेकिंग द कम्प्लीट पीरियड ऑफ द स्टॉम दैट इज दिक्स आवर्स तो हेयर द इनिशियल लॉसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द टोटल इन्फिल्ट्रेशन ओके जो कि एकदम ही ऑपोजिट केस है एज कम्पेयर टू द फाइन इंडेक्स तो फाइन इंडेक्स में आपने क्या कर दिया रनऑफ में से इस पोर्शन को डेल्टा एल को इनिशियल लॉसेज को आपने हटा दिया है ऑल राइट डेट इज द पॉइंट हेर एंड सेकेंड डिफरेंस इज दिस टी ओके बिकॉज दिस टी इज वॉट टी इज द कंप्लीट पीरियड ऑफ द स्टॉर्म नॉट द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस सारा का सारा जीरो से लेकर छः घंटे की बात हो रही है तो जीरो से लेके सिक्स जीरो से लेकर ट्वेल्व आवर्स तक बारिश हो रही है तो आपने पूरे के पूरे बारह घंटे यहाँ पे यूज़ किए ओके सो दिस डब्ल्यू इंडेक्स इज फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ द स्टॉर्म यहाँ पे P और R की यूजल रोटेशंस हैं डेट इज द पी इज द रेन फॉल आर इज द रेन ऑफ एंड टी इज द ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म अगर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे तो अब यहाँ पे इसी एक डायग्राम में मैं आपको W इंडेक्स भी बताऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फाइव इंडेक्स क्या होता है तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लेट्स से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज लेस बिकॉज ये हाइटोग्राफ है जहाँ पे इंटेंसिटी के बीच में और आपका टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है तो ये यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ आपकी इंटेंसिटी मैंशनड है तो इनिशियली अगर मैं कहूँ कि अगर ये ज़ीरो आवर्स है ये वन ओके टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो अगर मैं कहूं कि पहले घंटे के दौरान इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज़ लेस तो आप कह दोगे यस हाँ भाई सही बात है नेक्स्ट टाइम पे कहोगे तो क्या इससे बढ़ गई है कितनी हो गई इतनी हो गई है फिर थोड़ी इंटेंसिटी और बढ़ गई है रेनफॉल की तो ये कितनी पहुँच गई यहाँ पहुँच गई ओके एट दिस पॉइंट तो इस तरीके से रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ रही है फिर यहाँ पे आपने देखा कि तुरंत ही प्लमट डाउन इट गॉट रिड्यूस्ड और ये यहाँ पे आ गई ओके देन इंटेंसिटी गॉट सम वॉट इंक्रीज इन कंपेरिजन टू दिस फोर्थ आवर ओके देन उसके बाद फिर क्या हुआ इंटेंसिटी फिर से यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखेगी तो दीज आर द इंटेंसिटी रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग अच्छा अगर मैं बात करता हूँ फाइन इंडेक्स की तो अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द कॉन्स्टेंट रेट तो इसके ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रन ऑफ और जो रन ऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसी को मैं सिर्फ फाइव इंडेक्स की कैलकुलेशन में यूज़ करूंगा तो जब फाइव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं ए टू को पिक्चर में लूंगा ए थ्री को लूंगा और ए सिक्स को लूंगा सो हेयर वी हैव टेकन दिस थ्री एरियाज एंड द टाइम इज़ वॉट टी टू टी थ्री एंड टी सिक्स बिकॉज यही टी टू टी थ्री टी सिक्स हैं विच आर द पीरियड्स ऑफ वॉट एक्सेस रेनफॉल अब यदि मैं डब्ल्यू की बात करूँ डब्ल्यू इंडेक्स की डब्ल्यू इंडेक्स क्या करता है डब्ल्यू इंडेक्स सभी पूरे के पूरे एरियाज को लेकर चलता है ओके, सो टाइम ऑफ द स्टॉर्म ऑफ द तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो टाइम लिया गया है ये पूरा का पूरा टाइम यहां पे देखने को आपको मिल रहा है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइव इंडेक्स एंड द डब्ल्यू इंडेक्स ऑब है इट इज ग्रेटर देन

इस बात में क्या बोली गई है कि यदि ये फाइ इंडेक्स जो कि यहाँ पे है ये यहाँ ना रह के थोड़ा नीचे आ जाए और कहाँ आ जाए सभी एरियाज़ के नीचे आ जाए ओके है लेट्स अगर ए फोर ये है और इसके नीचे आ जाए मान लीजिए अब ये नया इंडेक्स है अब इस समय क्या होगा ये भी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये भी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा ये भी रन ऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो इस समय टी भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टी भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और टी भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो और ए टू ए थ्री और ए सिक्स तो पहले ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो इस समय सभी के सभी एरियाज़ ऑल द एरियाज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ए वन टू ए सिक्स दे ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ और सारे के सारे कौन से हैं सारे के सारे रेनफॉल एक्सेस वाले टाइम्स हैं तो फाइव की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी सो फाइव कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू कब डब्ल्यू होगा वो आपको यहाँ पे पता है

सो so, ये जो इनिशियल लॉसेज है आप इसको कंसिडर कर रहे हैं किस डब्ल्यू इंडेक्स में ओके बट नॉट इन द फाइव इंडेक्स सो दैट इज वाई डब्ल्यू इंडेक्स इज अ बेटर पैरामीटर एज कंपेयर टू फाइव इंडेक्स बट द थिंग इज द इनिशियल लॉसेज इनिशियल लॉसेज कौन से हैं एक आपका इंटरसेप्शन लॉस है ओके इंटरसेप्शन लॉसेज एंड द सेकेंड इज द लॉस टू द डिप्रेशन है ना जो डिप्रेशन ग्राउंड में है उनको तो आप इंटरसेप्शन लॉस पेड़ ने कितना पानी रोक लिया बारिश के समय आप नहीं पता कर सकते प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ओके सो इनिशियल लॉसेज आर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देअर फोर डब्ल्यू इंडेक्स इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट और एस्टिमेट बट इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें फाइव इंडेक्स में तो फाइव इंडेक्स में कोई भी लॉसेज की बात नहीं करते जब हम लॉसेज की बात ही नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी मच इजियर टू कंप्यूट ओके सो प्रैक्टिकली फाइव इंडेक्स इज अ Better indicator, okay. When you talk about this, uh, how you have to calculate this thing. Let us now see some numericals based on this. A storm with 10 centimeter precipitation, that is the rainfall is 10 centimeter, produces a direct runoff equal to 5.8 centimeters. So, there is value of P, that is the rainfall, and the direct runoff that is given to you, that is 5.8 centimeter. The time of distribution of rainfall is given below. What is there? जीरो से लेके टू आवर्स में इट इज गिवेन टू यू देन फॉर फोर आवर्थ है ना ओके देन सिक्स आवर्स पे क्या हो रहा है एट आवर्स पे क्या हो रहा है टिल सिक्सटीन आवर्स इट इज़ गिवन टू यू एंड द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल रेनफॉल यानी कि हर दो दो घंटे पे कितनी कितनी बारिश हुई है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है ओके दैट इज़ द इंक्रीमेंटल रेनफॉल अगर मैं हाइटोग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो हाइटोग्राफ में तभी प्लॉट कर सकता हूँ जब मेरे पास क्या हो रेनफॉल इंटेंसिटी हो नो लेट अस सी रेनफॉल इंटेंसिटी आप कैसे मेजर करते हो यू से इट एज वॉट सेंटीमीटर पर आवर या फिर आप क्या कह देते हो कि इतना एम mm एम बारिश हो रही है पर आवर ओके सो नॉन लेट सी कि रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी है ओके okay? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज पॉइंट फोर तो आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो क्या होगा विल पॉइंट टू सेंटीमीटर पर आवर ये पॉइंट नाइन है दो घंटे में पॉइंट नाइन बारिश हुई है तो पॉइंट फोर फाइव सेंटीमीटर पर आवर वन पॉइंट फाइव बारिश हुई है फोर से सिक्स के बीच में तो इट इज वॉट उसका हाफ डेट इज पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर या फिर एम एम पर आर ओके डेट इज सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर आर में हो जाएगा ये एंड सिमिलरली सोन सो यहाँ तक आपने देखा कि आपके पास रेनफॉल इंटेंसिटी आ गई जैसे ही आपके पास रेनफॉल इंटेंसिटी है आपके पास टाइम है सो यू कैन ईजली प्लॉट द हाइटोग्राफ ओके तो आगे हम देखते हैं हाइटोग्राफ इसका कैसे बनेगा यही ये वाले चार्ट को और इस वाले चार्ट को इन दोनों को आप यूज़ करोगे और यू विल प्लॉटिंग द हेड टू ग्राफ तो हमने यहाँ पे डेटा यू यूज़ किया है पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर फाइव पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव आपने अलग अलग टाइम इंटरवल पे दो घंटे तक बारिश कैसे हो रही है पॉइंट टू सेंटीमीटर पर आहार के हिसाब से बारिश हो रही है अगर मैं कहूँ कि कितनी बारिश हुई तो पॉइंट टू इन टू वॉट टू आवर्स के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लोगे सो यू विल बी गेटिंग एट एज पॉइंट फोर जीरो जो कि आपको इंट्रीमेंटल रेनफॉल के रूप में टेबल में दी गई थी वैल्यू ओके okay? अगर मैं ऐसी बात कर यहाँ पे तो यहाँ पर भी देखिए तो पॉइंट कितने घंटे के लिए बारिश हुई दो घंटे के लिए पॉइंट फाइव इंटू टू आवर्स तो ये आपका वन यूनिट आ जाएगा वन यूनिट आ जाएगा और यही वन यूनिट क्या है आपका इंक्रीमेंटल रेनफॉल तो यही आपको डेटा आपको पहले से ही टेबल में क्वेश्चन में दे रखा था तो आपके पास ये वैल्यूज़ तो आ गई ओके दिस इज़ द हाइटोग्राफ डेट यू हैव प्लॉटेड हेयर यहाँ पर आपका एक रेनफॉल इंटेंसिटी हो गया एंड दिस इज़ द टाइम ओके So, you have to determine the phi index in this question. So, P is given to you that is the rainfall, runoff, 5.8 so infiltration will be equal to what? The rainfall minus the runoff, this comes out to be 4.2 centimeters, that is the 16 hours time of the storm is 16 hours. Now, let us assume that the entire period of the storm is contributing to the rainfall excess. जब मैं ऐसा मानता हूँ तो आपको समझना चाहिए कि अगर मैं फाइव इंडेक्स की बात करने लग जाऊँ यहाँ पर तो कुछ फाइव इंडेक्स कुछ यहाँ कहीं पर आएगा है ना इस तरह से कहूँगा मैं इस तरीके से कह सकता हूँ मैं कुछ भी आ सकता है बट मैं कह रहा हूँ कि सब में आएगा ही आएगा पूरी की पूरी रेनफॉल को आप कंट्रीब्यूट कर लीजिए लेट अस सी हियर फाइव इंडेक्स जब आप निकालना चाहोगे तो आप डिवाइड बाय जो भी आपका टाइम इंटरवल है फाइव इंडेक्स का फॉर्मूला इट इज़ गिवन बाय पी माइनस आर अपॉन इनिशियली आप क्या करते हो इनिशियली आप मान के चलते हो कि भाई यहाँ पूरे सोलह घंटे के लिए रेनफॉल एक्सेस है तो यू डिवाइडेड बाई सिक्सटीन यू गेट दिस वैल्यू एज पॉइंट टू सिक्स टू फाइव सेंटीमीटर पर आवर आपने इनिशियली माना तो क्या था कि इट इज़ यहाँ पे है फाइव इंडेक्स की वैल्यू कुछ यहाँ पे है तो आपने डिवाइड कर लिया आपने पूरे के पूरे जीरो से लेके कर सिक्सटीन से आपने डिवाइड कर लिया बट एक्चुअली जो आपने वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई पॉइंट टू सिक्स टू फाइव है ना पॉइंट टू सिक्स अगर मैं लेके चलूँ तो पॉइंट टू फाइव यहाँ पर है 0.26 समथिंग हियर तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला एरिया तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है ओके okay? और ये वाला भी एरिया क्या हो रहा है बिल्कुल ही नहीं आ रहा है पिक्चर में दीज टू आर द एरियाज विच आर विच यू कैन नॉट टेक इन टू अकाउंट क्यों क्योंकि फाइन इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ वही एरियाज लिए जाते हैं जो कि रन ऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट करें रन ऑफ में कौन सा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जो भी फाइन इंडेक्स के ऊपर वाला हिस्सा है सिर्फ वही पोर्शन आपका रन ऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो दिस पोर्शन विल भी देयर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दिस पोर्शन विल भी देयर दिस पोर्शन विल भी देयर दिस पोर्शन विल भी देयर इन दिस पोर्शन तो आपने क्या किया इस वाले पोर्शन को पिक्चर में पिक्चर से हटा दिया और इस वाले को जीरो से लेके कर टू आवर्स तक और फोर्टीन से लेके सिक्सटीन आवर्स को तो आपने इन दोनों को रिमूव कर दिया नाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द मॉडिफाइड फाइव इंडेक्स क्योंकि ये फाइव इंडेक्स तो आपने कैलकुलेट करा था बट आपने क्या सोच के चला था कि टी की वैल्यू सिक्सटीन आवर्स है बट एक्चुअल में क्या है टी की वैल्यू तो ये दो घंटे हटा दीजिए और ये दो घंटे हटा दीजिए तो दिस रेनफॉल हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कैलकुलेशन ओके सो दिस इज गिवन टू यू हियर नाव यू सी एट टाइम पीरियड 0 से लेकर 2 आवर्स एंड 14 टू 16 आवर्स आर नॉट द पीरियड्स ऑफ रेनफॉल एक्सेस अगर नहीं है रेनफॉल एक्सेस के तो क्या होगा तो ये रन ऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे यदि ये रन ऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे तो आप इसको फाइन इंडेक्स के कैलकुलेशन में नहीं लेके आएंगे ओके सो नाउ वॉट वी डू वी है इट इज़ वॉट फाइव इंडेक्स इज दिस वैल्यू है ना पॉइंट टू तो हमने यहाँ पे ये यह वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई कि फाइव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है पॉइंट टू सिक्स टू फाइव राइट दीज आर दिक्चर्स इसको हमने पिक्चर में नहीं लिया और इसको हमने पिक्चर में नहीं लिया बाकी सारे जो ये एरियाज हैं दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ तो हम इन सभी को लेके चलेंगे ओके नो लेटर सी वॉट यू टू डू हमने यहाँ पे क्या किया टेन माइनस पॉइंट टू इंटू टू माइनस पॉइंट टू फाइव इंटू टू बिकॉज ये जीरो से लेकर टू आर्स वाला है और ये फोर्टीन से लेकर सिक्सटीन आर्स वाला है ना माइनस फाइव पॉइंट एट डिवाइड बाई वॉट डिस्टीन दट मीन टू पॉइंटीटर पर आवर तो दीज पीरियड्स वॉन्ट बी कंसडर्ड इन द कैलकुलशन ऑफ आई इंडेक्स सो मॉडिफाइड फाइव इंडेक्स विल भी दिस मच ओके ये कैलकुलशन आएगा और फिर से कर लीजिएगा इसको जो भी ये वैल्यूज है जीरो से लेकर टू आर्स के लिए है फोर्टीन सिक्सटीन आवर्स के लिए है दिस इज द एंटायर पीरियड जहाँ से आपने फाइव पॉइंट एट माइनस किया और ट्वेल्व से आपने इसको डिवाइड कर दिया दिस कम्स टू सेवन फाइव सेंटीमीटर पर आर दट इज द फाइव इंडेक्स एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में फॉलोइंग इज द सेट ऑफ ऑब्जर्व डेटा फॉर सक्सेन मिनट पीरियड ऑफ वन जीरो फाइव मिनट स्टॉम इन अ कैचमिनट एक सौ पाँच मिनट के लिए पूरी बारिश हुई है और हर पंद्रह पंद्रह मिनट इन पर इन्होंने इनफॉल इंटेंसिटी आपको दे रखी है है ना हर पंद्रह मिनट के लिए तो पहले फिफ्टीन सेंटीमीटर्स के लिए टू सेंटीमीटर पर आवर देन नेक्स्ट के लिए टू सेंटीमीटर पर आवर एंड सो ऑन इस तरह आपको वैल्यूज अलग अलग दे रखी हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ फाइन इंडेक्स इज थ्री सेंटीमीटर्स पर आवर नाउ यू हैव टू एस्टिमेट द टोटल रन ऑफ एंड द डब्ल्यू इंडेक्स ठीक है तो फाइव इंडेक्स भी आपको यहाँ पे पता है तो अगर आपको रेनफॉल इंटेंसिटी पता है आपको ड्यूरेशन पता है सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं आप हाइटोग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हाइटोग्राफ इज वॉट नथिंग बट द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड द टाइम ग्राफ तो लेट अस नाउ मेक हेयर आपने अलग अलग इंटेंसिटी थी टू सेंटीमीटर देन टू देन एट सेवन वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव एंड फोर पॉइंट फाइव तो आपने अलग अलग वैल्यूज़ इंटेंसिटी फॉलो रेनफॉल इंटेंसिटी की वैल्यूज़ पे आपने हाइटोग्राफ प्लॉट कर लिया नाउ यू ऑलरेडी नो दिस फाइव इंडेक्स तो फाइव इंडेक्स में अगर आप देखते हैं तो आप ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ओके बट जब आप डब्ल्यू इंडेक्स की बात करेंगे तो आप पूरे के पूरे यानी कि टाइम ज़ीरो से लेके कर वन जीरो फाइव मिनट तक आप पूरे के पूरे एरिया को कंट्रीब्यूट कराएंगे इन द टर्म इन टाइम्स ऑफ कैलकुलेटिंग द डब्ल्यू इंडेक्स तो यहां पे यह देखिएगा कि जो पोर्शन है दिस इज व्हाट दिस पोर्शन इज व्हाट टोटल रन ऑफ की बात करता है ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पोर्शन दिस डाउनवर्ड पोर्शन दिस इज वॉट दिस इज द टोटल इनफिल्ट्रेशन पोर्शन ओके दिस पोर्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू द दिस डाउन पोर्शन एयर ब्लैक पोर्शन एयर इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द टोटल इनफिल्ट्रेशन एंड द टॉप पोर्शन जो कि हम अभी तक बात करते आए हैं दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ ऑफ द स्टॉक ओके सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ सो इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द रेन फॉल टू प्लस टू प्लस एट सेवन वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव एंड फोर पॉइंट फाइव ये सारी की सारी क्या हैं रेन फॉल इंटेंसिटीज़ हैं जो कि आपको टेबल में दे रखी हैं इंटू फिफ्टीन बाई सिक्सटी बिकॉज यू है हिसाब आप से आपने इसको देख लिया तो जो टोटल लैंडफॉल हुई है 105 मिनट के पीरियड में डेट इज़ सिक्स पॉइंट सेंटीमीटर्स अगर मैं रन ऑफ की बात करूँ तो मुझे क्या करना होगा मुझे इन पोर्शन को इन वाले एरियाज को कंसिडर करना होगा ओके सो वट यू डू एट माइनस अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है अगर इस पोर्सन का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा सिंपली इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा एट डेट इज़ दिस वन हेयर और यहाँ पे क्या है वैल्यू यहाँ पे आपकी लिमिट थ्री है एट माइनस थ्री इंटू वॉट इंटू फिफ्टीन बाई सिक्सटी बिकॉज ये आपका टाइम है पंद्रह मिनट अगर मैं बोल देता हूँ इसको आर में कन्वर्ट कर दूंगा तो फिफ्टीन अपॉन्ट सिक्सटी कर दिया इसी तरीके से इसके लिए भी हम लेंगे सेवन माइनस थ्री राइट इंटू फिफ्टीन बाई सिक्सटी एंड देन फोर पॉइंट फाइव माइनस थ्री इंटू फिफ्टीन बाई सिक्सटी तो द टोटल रन ऑफ डैट वी वॉन्टेड इज गिवेन एयर डेट इज़ टू पॉइंट सिक्स टू फाइव सेंटीमीटर इफ यू टॉक अबाउट डब्ल्यू इंडेक्स तो ये होगा क्या पी माइनस आर अपॉन टी और टी क्या होगा ये पूरा का पूरा टाइम इंटरवल होगा दैट इज़ वन जीरो फाइव अपॉन सिक्सटी ओके और पी आपको वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है आपने रन ऑफ भी कैलकुलेट किया नाउ यू कैन ईजली फाइंड आउट द डब्ल्यू इंडेक्स दैट इज गिवन टू यू एज टू पॉइंट टू वन सेंटीमीटर पर आवर तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो फाइव इंडेक्स था दैट वॉज गिवन एज थ्री सेंटीमीटर पर आवर और इनिशियली हमने जब डिस्कशन किया था फाइव और डब्ल्यू के डिफरेंसेस के बारे में बात करी थी तो वहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि is always greater than equal to w. तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू इट इज वॉट टू पॉइंट टू वन सेंटीमीटर पर आर ओके सो इट इज स्लाइटली लेसर वैल्यू नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट इट इज विच इज द टॉपिक्स आर इन कंटिन्यूएशन बेसिकली तो हमने इन्फिल्ट्रेशन के बारे में लास्ट टॉपिक में पढ़ा उसके पहले हमने व्यापरेशन के बारे में व्यापुर ट्रांसप्रेशन के बारे में पढ़ा था इस सेकेंड यूनिट में हम सरफेस रन ऑफ और हाइड्रोलॉजी को कवर करेंगे एंड देन वी वील मूव ऑन टू द इरीगेशन टॉपिक और उसके बाद फिर सभी इरीगेशन के टॉपिक की हम बात करेंगे लेट सी असर वट इज़ द कोर्स आउटकम द फॉर दिस एक सिलेबस इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट एंड द हाइड्रोग्राफ थ्योरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द रन ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट भी एक टॉपिक है जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे बिकॉज यू हैव टू कंसिडर द स्ट्रीम्स विच आर देयर ओके उनकी वेलोसिटी कितनी है कितना डिस्चार्ज है दैट वी हैव टू कंसिडर ओके तो कुछ टॉपिक्स जो हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे लेट सी देम वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस रन ऑफ इसमें कंपोनेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रन ऑफ मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द रन ऑफ वॉल्यूम एंड पीक रन ऑफ कितना रन ऑफ हो रहा है ओके इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो एक समय में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना मैक्सिमम पहुंच सकता है दैट इज़ द पीक रन ऑफ़ रेटिंग कर्व की बात करेंगे कोई बहुत डिफिकल्ट टर्म नहीं है बस एक टर्म दिया गया है इसको रेनफॉल और रन ऑफ के रिलेशनशिप के बाद बात यहाँ पर हम करेंगे कि यदि रेनफॉल लेट से दस सेंटीमीटर की हो रही है तो रन ऑफ अगर मैं कहता हूँ कि पाँच सेंटीमीटर का हो रहा है या फिर सात सेंटीमीटर का हो रहा है तो किस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाएंगे तो उसके लिए भी लीनियर रिग्रेशन एंड अदर मेथड्स विच यू हैव टू यूज़ वो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट इज़ द टॉपिक दैट इज़ द हाइड्रोग्राफ जो कि हम सर्फेस रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ को हम रिलेट करेंगे वेन वी गो ऑन टू द टॉपिक हाइड्रोग्राफ वट आर द कम्पोनेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइड्रोग्राफ बेस फ्लो बेस फ्लो क्या होता है बेस फ्लो सेपरेशन क्या है डी आर एस की बात करेंगे ओके देन यूनिट हाइड्रोग्राफ इट्स थ्योरी एंड अजम्पन की बात करेंगे डेरीवेशन देन सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड देन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मॉडल्स फॉर रेनफॉल रन ऑफ अनालिस इन दो टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे आफ्टर द कवरिंग ऑफ दीज टू टॉपिक्स जिसमें कि हम कुछ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट का भी टॉपिक कवर करेंगे ही देन उसके बाद हम इरीगेशन टॉपिक में आएंगे इन द सेकेंड यूनिट दैट इज द डेवलपमेंट इन इंडिया नेसेसिटी एंड टाइप्स ऑफ इरीगेशन मेथड्स ऑफ इरीगेशन एडवांटेजेस एंड डिसडवाटेजेस एसोसिएटेड विद इरीगेशन फंक्शन ऑफ़ द वाटर इन प्लांट ग्रोथ जैसे मैंने एक टर्म लास्ट क्लास में यूज़ किया था फील्ड कैपेसिटी का तो फील्ड कैपेसिटी विल्टिंग पॉइंट और इन सब टर्म्स की हम यहाँ पर बात करेंगे देन द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप कितना पानी किसी भी एक क्रॉप को चाहिए होता है अच्छा जब मैं बात कर रहा करूँ क्रॉप की तो कितने प्रकार के क्रॉप होते हैं क्रॉप के सीजन कौन कौन से होते हैं क्रॉप रोटेशन क्यों करना चाहिए इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे जब कैनाल से पानी रिलीज किया गया तो कितना फील्ड में पहुंचा ओके दैट वी हैव टू डि डैट वील बी डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ दिस इरिगेशन एफिशिएंसीज कैनाल इरिगेशन की बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस एंड अलाइनमेंट पार्ट ऑफ द कैनाल सिस्टम कमांडेड एरिया मतलब कि कितना सिंचाई के लिए एरिया वहाँ पे पहुँच रहा है पानी कहाँ तक पहुँच रहा है कर्व्स इन द चैनल्स चैनल लॉसेस तो दीज आर द टॉपिक्स डेट विल बी कवरिंग इन दिस सेकेंड यूनिट तो हम यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक बात कर रहे हैं डेट इज द रन ऑफ हमने जब इन्फिल्ट्रेशन मॉडल पढ़ा था लास्ट क्लास में तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो एक्सेस वाटर हो रहा है डेट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ हमने वहाँ पे ये चीज़ देखी थी डट डेट सी द डेफिनेशन है फर्स्ट एंड देन वील मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रेनिंग फ्राम अकेचमेंट एरिया इनटू अ सरफेस चैनल और स्ट्रीम इन अ स्पेसिफाइड पीरियड दैट इज द रन ऑफ अभी मैं आपको एक डायग्राम से इसको बताऊंगा। बट बिफोर दैट लेट्स सी हेयर व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रन ऑफ बेस्ड ऑन द टाइम डिले यहाँ पे समझिएगा बेस्ड ऑन टाइम डिले बिटवीन द प्रेसिपिटन एंड रन ऑफ द रन ऑफ इज क्लासिफाइड इन टू थिंग्स वॉट डायरेक्ट रन ऑफ एंड द बेस फ्लो ओके डायरेक्ट रन ऑफ के सामने आपको इंस्टेंटेनियस दिख रहा है और बेस फ्लो के आगे, आगे आपको डिलेड फ्लो दिख रहा है Okay. तो रन ऑफ के बारे में हमने एक तो डेफिनेशन पढ़ी उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि दो प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हो किस किस चीज़ में एक आप डायरेक्ट रन ऑफ बोल सकते हैं एक आप बोल सकते हैं इसको बेस फ्लो अच्छा अगर मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रन ऑफ तो अगर मैं कहता हूँ कि लेट से दिस इज ग्राउंड लेवल और मैं कहता हूँ कि दिस इज द्रीम एयर अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको ओके दिस इज द स्ट्रीम ओके दिस इज द स्ट्रीम एंड सोन तो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा लेट्स से इफ द रेनफॉल इज फॉलिंग तो इस इस स्ट्रीम के या फिर इस चैनल के किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो भी वाटर आएगा वो कैसे कैसे आ सकता है पहले समझिएगा कि अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है दिस प्रेसिपिटेशन विल बी डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रीम हेयर जो भी पानी यहां बारिश हो रही है वो यहां पे आएगा ही आएगा डायरेक्टली ऑन द स्ट्रीम ऑल्सो सेकेंड पॉइंट कुछ ऐसा भी होगा कि बारिश हुई है यहां पे दिस इज द ग्राउंड लेवल दिस इज द ग्राउंड लेवल अब यहां से पानी होता हुआ कुछ ऐसे आ रहा है डैट इज कॉल्ड एज द सर्फेस रन ऑफ सरफेस रन ऑफ ओके कुछ पानी आपका इस तरीके से आ रहा है अच्छा कुछ पानी ऐसा भी होगा कि पेनिटेट कर जाएगा अंदर अंदर द इन्फिल्ट्रेट करेगा यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करता हुआ यहाँ पे जाके पानी से इस स्ट्रीम से जाके जुड़ जाएगा तो दिस पोर्शन दैट इज़ इन्फिल्टेटेड हेयर इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट इंटर फ्लो प्रॉम्प्ट इंटर फ्लो एक और चीज़ यहाँ पे आपने देखी होगी क्या कि एक टर्म तो और दे रखा है बेस फ्लो अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ पानी क्या हुआ इन्फिल्ट्रेट किया परकुलेट कर गया और यहाँ पे जाके क्या हुआ जब भी पर्कुलेशन आएगा पिक्चर में तो क्या होगा पानी जो है ग्राउंड वाटर टेबल के साथ जाके मिल गया है और जब ग्राउंड वाटर टेबल के साथ मिला है जाके वो तो ये ग्राउंड वाटर टेबल का जो पानी है ये भी कहीं ना कहीं जाके क्या होगा इस स्ट्रीम से जाके मिल जाएगा ओके दिस वाटर इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द दिस थिंग बट दिस यू कैन अंडरस्टैंड एयर कि ये तीनों ये तीनों तुरंत के तुरंत होंगे सरफेस रन ऑफ तुरंत हो गया प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो थोड़ा सा देर में होगा बट हो जाएगा कंपेरेटिवली अगर आप बहुत समय की बात करो तो एंड फ्लो जो है कम ही समय में हो जाता है ओके देन सर्फेस रन ऑफ इज देयर एंड देन प्रेसिपिटेशन ऑन द स्ट्रीम सर्फेस इज देयर ये तीनों इंस्टेंटेनियस होते हैं तुरंत हो जाएंगे रन ऑफ में बट जो बेस फ्लो है दिस इज द परमानेंट फ्लो बट इट इज़ अ डिलेड फ्लो जब पर्कुलेशन हो रहा है तो पर्कुलेशन मैंने आपसे सबसे पहले ही बोला था कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस जब स्लो प्रोसेस है तो कुछ समय बाद ही वो आएगा Uh, in the scene here. So, when you talk about this percolation, per percolation will contribute to the groundwater, and this ground water will subsequently uh, contribute to the stream here. Okay. So, this runoff is contributing to what? This runoff is contributing to two things that is the direct runoff and the base flow. Okay. So, based on the time delay between the precipitation and runoff, runoff is classified into two things direct runoff and the base flow. डेफिनेशन की बात करूं तो डायरेक्ट रन ऑफ इज दैट पार्ट ऑफ द रन ऑफ विच एंटर्स द स्ट्रीम इमिजिएटली आफ्टर द रेनफॉल जैसे ही बारिश हुई तुरंत तुरंत वो कंट्रीब्यूट कर गया और बेस फ्लो की यदि मैं बात करूं तो इट इज अ डिलेड फ्लो दैट रीचेज द स्ट्रीम जनरली एज ग्राउंड वाटर तो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ द रन ऑफ नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू फॉर टूडे